हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप एक नए वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। आज हम आपको गांव के बाहर का हम लोग नदी जो पास में एक नज़दीक है नदी है, बहुत विशाल नदी है, बड़ा नदी है, उसको दिखाएंगे आपको। तो आज का सफ़र यहीं से शुरू करता है, गांव का ही हम लोग का ख़त्म हो जाता है, अंत यहीं पर होता है। यहाँ से हम लोग इधर से नदी का रास्ता होते हुए जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मेरा दोस्त जो है, जो बहुत ही मेरा क्लोज फ्रेंड है, आज वो मेरे साथ चलेगा। तो इनका नाम है तापस। तो हाँ, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इतना दूर तक आ चुके हैं, अब हाफ रास्ता हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे ये ताल का फल जो है, देख रहे हैं, इसका एक फूड रेसिपी भी है जिसको हम लोग ताल पीठा भी बोलते हैं। तो अगर किसी को जानना है कि ये रेसिपी किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको हमारा एक और चैनल है अमित तिवारी, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये ताल पीठा बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस नज़दीक के नदी के करीब पहुंच ही चुके हैं। अब देखिए, सामने ही नदी है, तो यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि घास उस नदी में बहुत सारा बालम उग गए हैं। ये देखिए रास्ता जो है, ये बरसात के दिन में ऐसा रास्ता हो जाता है, पूरा कीचड़। बस कुछ ही दूर है, यहाँ से नज़दीक में ही है, चलिए आपको दिखाते हैं। और देखिए ऊपर का दृश्य, देखिए पेड़ सब लगे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। बस हम लोग पहुंच चुके हैं, 10 कदम से दूरी है। देख सकते हैं, देखिए ऊपर का दृश्य, देखिए नदी के ऊपर जो है, वैसे बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो खेलने के लिए और शाम के टाइम घूमने के लिए हम लोग नदी ही आ जाया करते थे। यहाँ बैठकर ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा लेते थे, फ्रेश एयर जिसको कहते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, शहर में जाइएगा पॉल्यूशन है, फैक्ट्री वगैरह सब, लेकिन गांव में
पूरा साफ वातावरण और नेचुरल हवा जो है वो यहाँ मिलता है, और शांति जो है वो तो एक अलग ही मज़ा है। शहर में चारों तरफ गाड़ी का हॉर्न, भीड़ भाड़ अलग। आप लोग भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे, जो कभी अपना गांव जाते होंगे तो उनका तो गांव शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि सारे गांव मुझे लगता है एक ही जैसे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, बस पहुँच ही चुके हैं। ये देख रहे हैं नदी के ऊपर घास पूरा उग चुका है, इस बार दिखाई नहीं दे रहा मैं, लेकिन आपको मैं चलिए आगे दिखाता हूँ नदी के देखते। ये देखिए फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं हम लोग नदी पास। देखिए इधर देखिए, यहाँ से शुरुआत है। तो देखिए नदी का दृश्य, अभी आगे और बड़ा है। ये पूरा एरिया नदी का है, यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ पे ख़त्म होता है उस पेड़ पे। तो चलिए आपको थोड़ा आगे और दिखाते हैं। ये नदी के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, नदी ही है बेसिकली। बाढ़ के मतलब जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये नदी पूरा भर जाता है। अभी ये जो देख रहे हैं यहाँ पे घास वगैरह सब है, सब ढक जाते हैं यहाँ पे। ये वहाँ से शुरू होता है, वहाँ तक पूरा पानी ही पानी भरा हुआ रहता है। अभी जब हम लोग जा रहे हैं ये, तभी हम लोग जा नहीं सकते नदी, इतनी भर जाती है और इतना विशाल रूप हो जाता है नदी का। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली नदी पास आ चुके हैं। हम लोग नदी के बीचों बीच हैं अभी, हैं जहाँ पे ये खड़े हैं। तो अभी तो खड़े हैं, लेकिन जब बरसात के दिन होते हैं ना तो यहाँ पे खड़े होने का किसी का हिम्मत नहीं, क्योंकि पानी बहुत ही भरा हुआ रहता है। उधर देख रहे वो जो पेड़ है वहाँ, वहाँ से लेकर इधर देख रहे पेड़, पूरा जो एरिया है पानी से पूरा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, तो मैं इधर खड़े, पानी उतना ज़्यादा नहीं हुई इसलिए कारण हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, नहीं तो यहाँ खड़ा होना मुमकिन नहीं है बरसात के दिनों में। तो देख रहे हैं बहुत बड़ा नदी है, बहुत ही विशाल जगह है नदी लेने की, बहुत ही बड़ी है। मतलब हम बहुत जगह नदी देखे हैं लेकिन ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया में लिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी तो खैर पानी नहीं है इसीलिए पूरा बाली बाली आपको दिख रहा होगा, देखिए। लेकिन वही बरसात में जैसे मैंने बोला तो भाई अच्छा पानी था। तो हमारा जो फ्रेंड है तापस जो है, ये आपको कुछ बताएंगे कि नदी के बारे में, कि बरसात के दिनों में नदी कैसी उफान लेती है। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं नदी को आप लोग, इतना मतलब कि मतलब जब बरसात होती है ना, इतना इतना पानी हो जाता है कि आने में डर लगता है यहाँ तक। देख सकते हैं नदी तरफ अभी भी बहुत पानी है, दिखा सकता हूँ। ये तापस आपको बेटर बता सकता है क्योंकि तापस यहाँ रहता है। हमें बस के यहाँ ज़्यादा रहता नहीं हूँ गांव में, मैं काम बाहर करता हूँ। दिखाते हैं। तो ये नदी बहुत ही विशाल रूप धारण करती है। सामने जो पुल दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा आगे जाने पे हम लोग के नया एक जगह है कपिस्टा करके, वहाँ पर जाया जाता है नदी पार करके, क्योंकि अभी तो पानी है तो इसलिए हम लोग इधर से नहीं बाय रोड जाना पड़ता है। लेकिन जब पानी सूख जाता है, हल्का हल्का पानी रहता है, तब तो हम लोग नदी के रास्ते ही वहाँ कपिस्टा चले जाते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितनी लंबी है नदी, छोटी है लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी लंबी है यहाँ से वहाँ तक। और इतना भयावह दृश्य नदी के बीचों बीच इतना पानी भरा हुआ है देखिए। नदी का रूप देखिए फ्रेंड्स कितना भरा हुआ है। फ्रेंड्स हम लोग आपको अब नदी दिखा चुके हैं कि हम लोग गांव का जो पड़ोस में नदी है कैसा है। आपको जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नदी दिखाएंगे जो दिखा चुके हैं, देख सकते हैं देखें आप लोग कि कितना बड़ा विशाल नदी है। अभी आप लोग को पूरा नदी का मतलब पूरा जो बाढ़ के दिन में जो नदी भर जाती है वो आपको दिखा नहीं चाहिए क्योंकि इस बार उतना बारिश का नहीं हुई है तो इसी कारण दिखा नहीं पाए। वैसे जैसे अगर पानी से बारिश पानी भर जाता है नदी में तो हमको आपको ये वीडियो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आप लोग हमारे मेरे वीडियो देखते हैं देख के लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इंस्पायर होकर और नए नए वीडियो डाल सकूं। मैं देखता हूं कि बहुत फ्रेंड्स जो हैं देखते हैं
देख कर और इग्नोर करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं, पर अगर देखने में अच्छा लगा हो, तो पसंद आया हो, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से ब्लॉग से रिलेटेड और भी नया नया वीडियो इसी चैनल पर डालता रहता हूँ। और तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से अब घर चले जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, वो हम लोग के पास में एक जो टाउन है काशीपुर, तो उसको लेकर आपको नया वीडियो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।